हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी झटपट से बनने वाला स्नैक्स रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी मन पड़े आप इसे खा सकते हैं, सफ़र में भी आप इसे ले जा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी मसालेदार भाकरवाड़ी है जिसे हमने इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर लिया है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, 1/3 कप हमने यहाँ पर सूजी ली है, सूजी से इसमें क्रंचनेस आएगा। अजवाइन ले ली हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून, इसे अच्छी तरह से हमने क्रश कर लिया है। नमक हम इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हम नमक 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल इस्तेमाल किया है। मोइन अच्छी तरह से लगाएं नहीं तो फिर ये सख्त हो जाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है इस तरह से। इसका हम एक सेमी सॉफ्ट आटा लगा लेंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली हुई है तो थोड़ा गीला सा ही लगाएंगे आटा। तो ये देखिए अभी बहुत ही थोड़ा स्टिकी है, हल्का सा ऑयल लगाकर इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट होने छोड़ देंगे जिससे कि हमारी सूजी अच्छी तरह से फूल जाए और आटा हमारा एकदम सख्त हो जाएगा। तो इसे रख देते हैं 5 मिनट के लिए। मसाला बना लेते हैं भाकरवाड़ी के लिए। तो मैंने 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ले लिया है, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और बहुत थोड़ा सा नमक लिया है हमने। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आप इसमें चाट मसाला, अमचूर पाउडर जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। तो हमारा इंस्टेंट मसाला बनकर तैयार हो गया है। आप इसमें कुटा हुआ सौंफ भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है। आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से रेस्ट हो गया है तो चलिए इसे बेल लेते हैं। बहुत पतला या बहुत मोटा हमें इसे नहीं बेलना है तो अच्छी तरह से बेल लें क्योंकि हम इसकी भाकरवाड़ी बना रहे हैं तो थोड़ा सा पतला ही बेलें। तो इसे हम बेल लेते हैं आटा डस्ट करके। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो ये देखिए अब हमने इसमें पानी लगा देना है क्योंकि जो भी मसाले हमने बनाए हैं वो अच्छी तरह से चिपक जाने चाहिए। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मसालों को अच्छी तरह से इसमें स्प्रिंकल कर दें ताकि ये चिपक जाए सब। हाथों से हल्का हल्का टैप कर लें और जो भी हमने पानी लगाया है उससे बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाएगा। हल्का सा पानी और ऊपर से हम लगा लेंगे जिससे कि हमारी ये जो भाकरवाड़ी है तलते समय खुले ना। तो आप इसमें पानी का ही इस्तेमाल करें, तेल का इस्तेमाल ना करें नहीं तो तलते समय हमारी भाकरवाड़ी तेल में ही खुल जाएंगी। तो ये देखिए अब इसको हम इस तरह से रोल रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से हम इसे रोल रोल कर लेना है और बहुत ही ईजिली ये भाकरवाड़ी बनकर तैयार हो जाती है और आप इसे बनाने के बाद महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स में ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए एक रोल बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसे चाकू से हम कट कर लेंगे। तो बिल्कुल आधा आधा इंच की दूरी पर हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा दूरी पर कट कर लिया है और इसे अब कुछ भी बेलना वेलना नहीं है इसलिए पानी आप बहुत ही अच्छी तरह से लगाएं। और ये देखिए इजली हमारी भाकरवाड़ी बनकर तैयार हो गई है। सारी हमने अच्छी तरह से कट कर ली है। ये देखिए आप बिल्कुल इसी तरह से हमें सारी निकाल लेनी है और फ्राई कर लेना है। तेल का फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है और अच्छी तरह से सारी भाकरवाड़ियों को हम डाल देते हैं इसमें और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है जिससे कि अच्छी तरह से खस्ता और अंदर से अच्छी तरह से पक जाए ये। तो इन्हें मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे। जितनी हमारी कढ़ाई में स्पेस है उतना हम इसमें डाल लेते हैं। तो सारी भाकरवाड़ी आ गई है और गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम में। तो आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो रही हैं। तो इन्हें फ्राई होने में 5 से 8 मिनट लग जाते हैं मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए इन्हें थोड़ा सा और फ्राई कर लेना है हमें। तो बहुत ही अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो गई हैं। इन्हें निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर और ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी 10 मिनट के अंदर बनने वाली भाकरवाड़ी। इन्हें ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरे चैनल में आपको इस तरह से आसान और टेस्टी रेसिपी देखने को मिलती ही रहेंगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।